बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे हाँ हाँ हाँ, दरख्तों की खुशबू, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पत्तों की खुशबू देखे, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आज। और वेदर की बात की जाए, वेदर तो हॉट ही है, लेकिन आज खुशबू अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त पत्तों की खुशबू आ रही है। तो आज धूप की बात की जाए, वेदर की बात की जाए, वेदर सुबह जो था वो क्लाउडी था, अभी आगे जो है बिल्कुल सन ऊपर है, बिल्कुल सर पे, और क्लाउडी बिल्कुल नहीं है। तो आज मैंने अपना चेक करना है वेट जी, अभी मैं जाऊंगा क्लिनिक पे और अपना वेट भी चेक करना है, हाइट भी चेक करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने चेक नहीं की। तो अभी मैंने चेक करना है अपना हाइट और वेट, आपके साथ शेयर करूँगा कितना है मेरा वेट, क्योंकि मैं रात को जिम जाता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, और मैं अपना वेट लूज़ करने में लगा हुआ हूँ काफ़ी अरसे से। और देखते हैं अभी जाते हैं कितना वेट है और कितनी हाइट है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, मैं अभी पहुँच चुका हूँ, अभी वेट करना है अपना। ये देखें, ये मशीन है और हाइट भी इसके ये 7 ही फुट लगा हुआ है, इससे हाइट भी मालूम हो जाएगी और ये वेट भी यहाँ से आपको मैं बताऊँगा, मालूम हो जाएगा। और अभी चेक करते हैं। तो मैं पहले शूज़ उतार लिया करें, जब भी आप वेट के ऊपर जाएं तो शूज़ उतार के जाएं, क्योंकि अक्सर बात काफ़ी लोग शूज़ नहीं उतारते, उसकी वजह से उनका वेट जो है हाई हो जाता है शूज़ की वजह से, और मोबाइल शोबाइल सारा कुछ आप छोड़ के फिर वेट की तरफ जाएं। ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, पहले मैं आपको वेट बता रहा हूँ, ये 89 आ रहा है, 89 वेट है मेरा विद मोबाइल, मोबाइल को छोड़ूंगा तो 89 पॉइंट कुछ आएगा। तो अभी हाइट भी चेक करते हैं, देखते हैं तो हाइट कितनी, आपने देख लिया होगा 89 है। अभी देखें, अभी मैं कर रहा हूँ ये हाइट वाला, मास्क निकाल लेते हैं, तो ये फुट होता है इसी तरह ही, और ये इसका जो है आएगा आपको यहाँ पता चल जाएगा इस साइड पे, 180 हाउ मच, 180 हाउ मच द फुट, 6.2 आई थिंक, 6 फीट जी, 6 फीट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने देखा भी है, 181 है, और इसका मतलब है कि 6 फीट, पूरा 6 फीट आ रहा है। तो ये मेरी हाइट जो है 6.1 इस तरह आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वेट जो है थोड़ा ज़्यादा है 89, और इसको भी लूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं देखें, जिम तो कंटिन्यूसली जाता हूँ, खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और डाइटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ खाना जो है उस पर डाइटिंग में कंप्रोमाइज़ में नहीं कर रहा, तो डाइटिंग भी कंप्रोमाइज़ करूँगा तो फिर अच्छा वेट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा वेट। तो चले देखते हैं आगे क्या होता है। वेट की वजह से अभी डाइटिंग का एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये मैंने चिकन नहीं किया, वेजिटेबल्स हैं बस, साथ पोटैटो और साथ सैलेड है, क्योंकि वेट ज़्यादा है इसकी वजह से थोड़ा ये कि खाना कम करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा है पीछे 89 वेट बता रहे हैं, चलें देखते हैं। और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा जिम में, एक्सरसाइज, तो देखते हैं कब तक ये लूज़ होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।